नमस्कार दोस्तों, आज की शुरू में एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जो आपको इमरजेंसी में आपका काम आएगी। ठीक है, आपको जो इमरजेंसी में बहुत आसानी से लोन दे देती है। तो यहाँ पर सिंपली आधार कार्ड और पैन कार्ड कैरी करके रखना, आपको यहाँ से बहुत आसानी से लोन मिल जाता है। तो किस प्रकार से यहाँ से आपको लोन लेना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर लगेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिल जाता है, प्रोसेसिंग फीस क्या है और कोई भी अदर एडवांस चार्जेस है, तो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, मैं आपको जो क्लियरली और लाइव अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपको लाइव इसमें मैं लिमिट लेके दिखाऊंगा, मेरे बैंक अकाउंट में लेके दिखाऊंगा। तो आपको जो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की और हम जो इस एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में वीडियो में देखते हैं। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो है कि आपकी भाषा यहाँ पर चूज़ कर लेना है। सिंपली मैं यहाँ पर जो कि इंग्लिश चूज़ कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जो है कि आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर करना होगा। जो भी आपका मोबाइल नंबर आपके सेम मोबाइल में लगा हुआ है, वही सिम आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। सिंपली मैं यहाँ पर जो एक मोबाइल नंबर डाल के प्रोसेस सेकंडली ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो एक लोकेशन यहाँ पर देना होगा, देन आपको जो है कि यहाँ पर आगे बढ़ना है। जो भी परमिशन आपके सामने आएगी, सारी परमिशन आपको यहाँ पर अलाउ कर देना है। देन आपको यहाँ पर मैं बताता हूँ। उसके बाद में आपको सिंपली आपकी सिम चूज़ करना है। देन आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है कि बिना ओटीपी के वेरीफाई होता है, वो डायरेक्टली डिटेक्ट करता है आपके मोबाइल में, यानी कि आपके डिवाइस में। उसके बाद में आपको सिम यहाँ पर जो कि आपका फुल नेम आपको देना है। देन आपका पैन नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो भी पैन नंबर पर आपका नाम है, वो आपको नाम यहाँ पर इंटर करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेफरल कोड यहाँ पर आपके सामने आया है। तो ये रेफरल कोड आप जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपको सिंपली ये रेफरल कोड डाल देना है यहाँ पर। देन यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, अब जो है कि यहाँ पर ये आपको चेकबॉक्स जो दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको इसको अनटिक कर देना है, क्योंकि ये फालतू हमें व्हाट्सएप पर परेशान करेंगे, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे फालतू के, तो उसको अनचेक कर रखना आपको। ठीक है, देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। तो चलो सब कुछ फिल करके आपको दिखाता हूँ मैं। उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर जो है कि आपका पिन कोड डालना होगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। ठीक है, पिन कोड मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं। उसके बाद में आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने प्रोसेसिंग का आ जाएगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं हमें जो कि यहाँ पर 20,000 का लोन यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पर आप जो कि 20,000 का लोन जो है कि ले, जितना भी आपको मिलेगा वो लोन आप ले सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ से जो है कि अब गेट इन टू क्लिक पर क्लिक करके यहाँ से जो कि इस लोन को ले लूँगा। तो चलो आगे की प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। हम सिंपली जो है कि इसको गेट इन टू क्लिक पर क्लिक करके आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ मैं। जैसे आप देख सकते हैं वेरीफाई योर आधार डिटेल्स टू गेट फंड्स। ठीक है, तो आपको जो है कि यहाँ पर आपकी आधार डिटेल्स यहाँ पर देनी होगी। दो स्टेप में आपका जो है काम हो जाएगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर 4 डिजिट का शेयर कोड बनाना होगा। वो शेयर कोड मैं आपको बता दूंगा क्या काम आएगा और कैसे आपको बनाना है। चलो कंप्लीट EKYC पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है आपके सामने जो है कि लोडिंग का आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है। यहाँ पर आप जो है कि प्रोसेसिंग होने के बाद में आपको आपकी क्या आधार की डिटेल्स आपको यहाँ पर इंटर करनी होगी, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ आगे देख सकते हैं। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने ऊपर क्लियरली दिखा रहा है डिजी लॉकर से आपका जो कि आधार ऑटोमेटिकली यहाँ पर ले लिया जाएगा, अगर आप जो कि इनको परमिशन देते हैं। तो सिंपली हम जो है कि आई एग्री पर क्लिक करके सिंपली प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है कि आपका डिजी लॉकर का पेज यहाँ पर ओपन होगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर और जो कैप्चा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सिंपली ये कैप्चा आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। चलो ये सब कुछ फिल करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करके दिखाता हूँ। उसके बाद में आपके जो भी वेरीफाई रजिस्टर्ड नंबर है, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP सिंपली आपको इंटर करना है। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 6 डिजिट कोड यहाँ पर इंटर करना होगा। ये इंटर आप जो कि कोई भी आपका मनपसंद आप जो कि यहाँ पर रख सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर जो मनपसंद कोड यहाँ पर रख लेता हूँ मेरे। देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपका जो कि मैं कन्फर्म कर दूँ पहले, ये कोड आपको काम आएगा जो इनको यहाँ पर ये वेरीफाई करेंगे आपके आधार को। तो इनको आपको यहाँ पर ये कोड डाल के देना होगा, तब जाके आपका जो है कि आधार कार्ड यहाँ पर अनलॉक होगा, वरना ये लॉक रहता है तो ये आपकी डिटेल फेच नहीं कर पाते। ठीक है, तो कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर प्रोसेसिंग का हो जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर एलो पर क्लिक करना है। सिंपली हम एलो पर क्लिक कर दिया है हमने। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर फेचिंग कर लिया जा रहा है हमारा डॉक्यूमेंट को।
तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर सक्सेस हो गया है। उसके बाद में 3 सेकंड और है हमारा, जो ऑटोमेटिकली कि हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे पेज पर। तो यहाँ पर हम जो है कि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आधार हमारी यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। उसके बाद में आपको जो है कि यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आपको फिर से यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर डालना होगा। देन आपको जो है कि यहाँ पर IFSC कोड डाल के आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो चलो ये सब कुछ फिल करके मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। उसके बाद में आपको जो है कि आपका बैंक डिटेल्स डालने के बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म करना होगा आपका बैंक डिटेल्स। हम सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है कि थोड़ी देर प्रोसेस चलेगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम जो है कि यहाँ पर हमारे अकाउंट में यहाँ पर 20,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पर वेरीफाई किया है इन्होंने। अब जो है कि मैं जैसे इस पर गेट इन टू क्लिक पर क्लिक करूँगा, हमारे बैंक अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जे आप जो है कि मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पर ये पैसा मैं लेके आपको बताता हूँ। तो ऊपर आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमारे बैंक डिटेल्स यहाँ पर वेरीफाई कर लिया, 1 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है कि यहाँ पर स्टेस फिन से आपको पर्सनल लोन लेना है, इंस्टेंटली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। ये मेरे बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो है कि इंस्टेंटली ट्रांसफ़र कर दिया गया है, आपको भी यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे इंस्टेंटली। तो अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना, या फिर आप जो है कि मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप जो है कि अबाउट दिस ऐप से इसकी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।